हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर वीडियो। आज मेरी होने वाली है इंग्लिश टेस्ट। बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैं शेफर लिमोजिन कंपनी में जॉब करता हूँ। तो शेफर इंडस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है और बहुत फेमस है, क्योंकि जितने भी इवेंट्स होते हैं, शोज़ होते हैं, या डेलीगेशंस जो ट्रैवल करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो उनको जो रिप्रेजेंटर होते हैं वो शेफर सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत अच्छी होती है। क्योंकि जब आपका कोई डेलीगेट्स आता है, एम्बेसडर आता है, प्रेसिडेंट आता है, तो जाहिर सी बात है उसको लग्जरी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, तो वेल ड्रेस्ड आपको उसमें ड्राइवर चाहिए होता है, जिसको एक रेस्पेक्ट के लिहाज से शेफर कहते हैं। तो मैंने भी लिमोजिन कंपनी ज्वाइन की है और मेरा वीज़ा लग चुका है, आईडी मेरी यहाँ की आ चुकी है। उसके बाद जो है आरटीए की ट्रेनिंग होती है। आरटीए का मतलब रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो कल ही मैंने मैसेज रिसीव किया है अपने ऑफिस से कि आपकी कल टेस्ट है, तो मैं अभी एक लिंक मुझे भेजा गया है, तो मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ, देखते हैं इंग्लिश टेस्ट में क्या होता है। क्योंकि जब उसके बाद फिर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, जो कि 10 दिन या 12 दिन होगी, फिर उसका भी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आरटीए का परमिट मुझे मिलेगा, तो फिर मैं फ्रीक्वेंटली लग्जरियस गाड़ी चला सकता हूं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि अभी मेरे पास आरटीए का परमिट कार्ड नहीं है। तो अगर विदाउट परमिट कार्ड अगर आप सर्विस देते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो एक अच्छा बड़ा फाइन पड़ता है कंपनी को। तो उससे बचने के लिए हर कंपनी ये कोशिश करती है कि एज सून एज पॉसिबल जो न्यू एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको परमिट के लिए ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए भेज दें। तो अभी मैं आया हूँ इंग्लिश टेस्ट के लिए, देखता हूँ कि मुझे वहाँ पर क्या MCQs मिलते हैं, क्या रीडिंग टेस्ट है, क्या राइटिंग टेस्ट है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने काफ़ी रिसर्च की थी गूगल पे, यूट्यूब पर, लेकिन मुझे कोई ऐसा लिंक नहीं मिला कि जिससे मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले सकूँ। लेकिन खैर, मैं अभी पहुंच चुका हूं, अलकूस 3 एरिया है दुबई में। तो आज के इस इंग्लिश टेस्ट में जो भी मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। तो स्टे विद मी, अगर मुझे परमिशन मिली तो मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा टेस्ट की भी और ट्रेनिंग सेंटर की भी, वाइल अटेंड क्लास भी। अगर परमिशन नहीं मिली तो आई एम सो सॉरी, सो स्टे विद मी। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अपोलोजाइज करूँगा, क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा वाइल ट्रेनिंग, अगर मुझे परमिशन मिली तो। अनफॉर्चुनेटली मैं जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर में एंटर हुआ तो मेरा मोबाइल जो है स्विच ऑफ करवा दिया गया, तो मैं कोई भी वीडियो, कोई भी फुटेज, कोई भी फ़ोटो नहीं बना सका। लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स ज़रूर दूंगा इस वीडियो में। तो मेरा जो है टेस्ट मुकम्मल हो चुका है, फर्स्ट अटैम्प में मैंने पास किया है, जिसमें 147 मार्क्स आउट ऑफ 150 इंग्लिश टेस्ट में मैंने लिए हैं। और एक दूसरा टेस्ट होता है साइकोमेट्रिक का, उसमें मैंने 54 लिए हैं आउट ऑफ 100। तो वो कम मार्क्स क्यों आए उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको बता दूँ कि जो टेस्ट है वो एक जनरल नॉलेज के ऊपर है। जैसा कि आपको पता है कि दुबई एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो रेवेन्यू होता है वो टूरिज़म से होता है। तो उसके लिए दुबई में जो भी टूरिस्ट आता है उसको बड़ी वैल्यू देते हैं दुबई गवर्नमेंट फॉर द हॉस्पिटैलिटी। तो आपको पता है कि जो भी टूरिस्ट ट्रैवल करता है अपनी कंट्री से मैक्सिमम 6 आवर्स, 12 आवर्स या मैक्सिमम 24 आवर्स, उसके बाद जब यहाँ वो लैंड करता है, अराइवल से लेकर उसके दोबारा डिपार्चर तक, उसको इंटरटेन कौन करता है? सिर्फ शेफर सर्विस। क्योंकि कोई आपको 2 दिन के लिए बुक करता है, कोई 2 वीक्स के लिए बुक करता है, कोई 1 वीक के लिए बुक करता है, तो शेफर ही उसको ज़्यादा टाइम देता है। तो इसी के लिए दुबई में आपको लिमोजिन कंपनी में एज ए शेफर बनने के लिए आपको आरटी की ट्रेनिंग करनी होती है, जिसमें आपको हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, आपको जनरल नॉलेज के बारे में बताया जाता है, आपको वेलकम कैसे करना है वो बताया जाता है, गेस्ट को कैसे सेटिस्फाई करना है वाइल ड्राइविंग, वाइल कम्युनिकेशन। तो उसके लिए ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, स्पेशली जो न्यू कमर आते हैं लिमोजिन में, जैसा कि मैं आया हूँ। तो मैं बता दूँगा इस ट्रेनिंग में क्वेश्चन जो थे बिल्कुल जनरल नॉलेज के थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, और सिर्फ आपके IQ को लेकर कि आपको बस इंग्लिश पढ़ना आता हो, आप उनके राइट आंसर दे सकें। जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके जवाब उसी सवाल में ही मौजूद हैं। 3 ऑप्शन होते हैं, उसमें जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपने सिर्फ क्लिक करना है।
जिसमें टोटल तीन सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट का टेस्ट होता है। उसमें जो है कि क्वेश्चन आपने ही पढ़ना है और आप ही ने बेस्ट आंसर चूज करना है। जो सेकंड सेशन है वो भी 30 मिनट का है। उसमें आपको क्या करना है कि हेडफोन लगाना है, क्वेश्चन आपके सामने होगा, उसको प्ले करना है। एक क्या कहते हैं स्पीकर टाइप एक आइकॉन होगा, उसको आपने प्ले करना है लेकिन वंस। और ये आपको मैं इन्फॉर्मेशन ज़रूर देता चलूं कि आप अगर फर्स्ट सेशन के बाद जब सेकंड टेस्ट देते हैं जिसमें आपको हेडफोन लगाना पड़ता है और क्वेश्चन खुद सुनना होता है और फिर उसमें से बेस्ट आंसर को आपको ऐसे ही तीन ऑप्शन होते हैं, उसमें एक बेस्ट आंसर आपको क्लिक करना होता है राइट आंसर के लिए। तो जब आप वो सुनते हैं, सबसे पहले ये बता दूं कि वो सिर्फ एक ही बार सुने। अगर सेकंड टाइम आप उसी क्वेश्चन को रिपीट करके दोबारा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए सुनते हैं तो आपका एक मार्क्स कम हो जाएगा। उसका सबूत यह है कि मुझे जब इंस्ट्रक्टर ने कहा कि तुम्हारे मार्क्स 150 थे लेकिन तुमने तीन टाइम आपने क्वेश्चन को रिपीट किया है, सुना है, इसीलिए आपके तीन मार्क्स कम हो गए। तो ये मैं आपको एक टिप्स देता हूँ कि जब भी आप हेडफोन लगाने के बाद वो सेशन करते हो अपने क्वेश्चन आंसर का, तो सबसे पहले आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, कोई इशू नहीं, तो आप पहले बेस्ट आंसर को देख लें। उसमें तीनों आंसर्स को देखने के बाद फिर आप उसको प्ले करें, क्वेश्चन को गौर से सुने, फिर उसमें से बेस्ट आंसर को क्लिक करें। तीसरा सेशन जो होता है वो होता है साइकोमेट्रिक का। उसमें एक बॉक्स होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइनें होती हैं, उसमें लाइनों में गैप होता है। तो आपने जब एरो क्लिक किया तो आपको उस बॉक्स को एक लाइन लेकर ड्रैग करना है, ड्रैग करके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ब्लॉक को पूरा करके एंड तक लाना है। तो उसके भी मार्क्स जो हैं इंक्लूड होते हैं आपके टोटल मार्क्स में। और ये जो टेस्ट होता है ये आपके साइकोमेट्रिक का होता है, आपके इंटेंशन का होता है, ठीक है, आपके कितने प्रेजेंट माइंड है। क्योंकि वाइल्ड रोड आप ड्राइविंग करते हैं, आप गेस्ट आपके साथ हैं, आप कम्युनिकेशन भी उनके साथ कर रहे हैं, आपको गाड़ी को ड्राइव सेफ भी करना है, इसके अलावा आपको अपने क्या कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट को भी देखना है, फ्रंट मिरर को भी देखना है, राइट साइड और लेफ्ट साइड के मिरर को भी देखना है। तो उसके लिए अटेंशन के लिए ये टेस्ट रखा गया है, लेकिन बहुत इंजॉय किया मैंने इस टेस्ट पे। तो जो भी ये टेस्ट करना चाहता है RTA की इंग्लिश टेस्ट, तो उसको 210 दिरहम पे करने होते हैं। तो कुछ कंपनियां रिइंबर्समेंट देती हैं और कुछ कंपनियां रिइंबर्समेंट नहीं देती, तो ये आपकी कंपनी के डिपेंड करता है उनके टर्म्स एंड कंडीशन पर। आई एम थैंकफुल टू माई कंपनी, दे पेड मी बैक। तो फ्रेंड्स, RTA परमिट कार्ड के लिए आपको सबसे पहले इंग्लिश टेस्ट करना है, उसको क्लियर करना है, उसके बाद फिर आपके RTA परमिट की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो जैसे ही आप ये इंग्लिश टेस्ट का सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं अपनी कंपनी में, तो कंपनी आपकी बुकिंग करती है ट्रेनिंग के लिए। तो जैसे मुझे सर्टिफिकेट मिल चुका है और मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ अपने कंपनी में, तो अब वो एज सुन एज पॉसिबल मेरे लिए ट्रेनिंग डेट्स अरेंज करेंगे। तो फिर मैं वहाँ कुछ दिन ट्रेनिंग करूँगा, उसके बाद ऐसी तरह फिर एग्ज़ाम होंगे, और अगर मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया तो मुझे परमिट कार मिल जाएगा। तो फिर मैं लग्जरीज गाड़ी भी चला सकता हूँ, मैं गेस्ट को एंटरटेन भी कर सकता हूँ। अपना टेस्ट पास करने के बाद मैंने चेक किया रिव्यू अबाउट द कंपनी, तो 3.9 रिव्यूज़ हैं और मैं तो सेटिस्फाई था, तो मैंने पॉजिटिव रिव्यू दिया जो देना चाहिए था एज ए कैंडिडेट। उसके बाद मैंने कुछ नेगेटिव रिव्यूज भी देखे, कुछ पॉजिटिव भी देखे, लेकिन ये कि अच्छा था, 3.9 रिव्यू जो हैं कंपनी के बहुत अच्छे होते हैं। तो जो नेगेटिव थे उसकी मैं एक चीज़ समझता हूँ, वो इसलिए नेगेटिव थे क्योंकि कैंडिडेट जो होते हैं वो इतने ज़्यादा आ जाते हैं मॉर्निंग टाइम पे। अब मेरा जो नंबर था आपको पता है 143 था, तो अराउंड 200 पीपल आप एक ही जगह पे जाते हो ट्रेनिंग के लिए। तो बहरहाल 200 लोगों को एंटरटेन करना, उनको सिटिंग एरिया देना, उनसे बात करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अपॉइंटमेंट देना, ये कोई आसान काम नहीं है। और स्टाफ बहुत कम था जो मैंने देखा, लेकिन जितना भी स्टाफ था उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अगर आप उनके साथ प्रोफेशनली अच्छे से बात करते हो तो बिल्कुल वो रिप्लाई भी कर रहे थे, आपका काम भी कर रहे थे। तो बजाय नेगेटिव रिव्यू देने के, आप एक बार वहाँ जाएंगे एज ए कैंडिडेट, जब आप वहाँ जाते हो तब आपको रियलिटी का पता चलता है कि वो उन लोगों ने मेरे सामने लंच भी नहीं किया था, लेकिन वो लगे हुए थे अपने काम में कैंडिडेट को जल्द से जल्द उनकी ट्रेनिंग को फिनिश करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा RTA के इंग्लिश टेस्ट का एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव हो
तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जिनको इन फ्यूचर शेफर सर्विस के लिए इंग्लिश की ट्रेनिंग करनी है। तो कुछ ना कुछ टिप्स ज़रूर मिलेंगे इस वीडियो से। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के रेड बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। तो मिलते हैं अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।